नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती टीचिंग। इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दो का कार्य पुस्तिका पेज 13, इसमें जोड़ो और लिखो, ये क्वेश्चन है। जोड़ो और लिखो पेज नंबर 13 पर है। इसमें जोड़ना है और उसको उत्तर को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 16 प्लस 2। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 6 और 2, 6 रुपया और 2 रुपया मिलकर कितना रुपया हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 टॉफी और 2 टॉफी, कितना टॉफी हो गया, 8। यहाँ 8 इस तरह से बना देंगे और एक यहाँ उतार लेंगे, कितना हो गया, 16 और 2 18। ठीक, अभी देखिए ये 2 रुपया है, ये 3 रुपया है, 2 रुपया 3 रुपया मिल जाए कितना जाएगा, 5, 1 और 1 2। ठीक, अभी कितना है पूरा, 14 और ये 72। ये सिर्फ कितना है, 4 और ये 2 नहीं आ रहा है, तो 4 लाइन इधर खींच लेंगे, कितना, 4 लाइन, 1 2 3 4 और ये 2 लाइन है, बताए थे ना आप लोगों को, इस तरह से खींच लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना हो गया, यहाँ 6, यहाँ 6 कर क्या करेंगे, इस तरह से 6 लिख देंगे। ठीक, और 7 रुपया और 1 रुपया कितना हो जाएगा, 8 रुपया, यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा। अब देखिए 4 कलम और 4 कलम मिलकर कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। वेरी गुड, कितना हो गया, 8, यहाँ 8 लिख दिया, 2 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपये। ठीक, इतना समझ में आ रहा, बस जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, मिला देना। ठीक, अब देखिए 5 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 5 में 0 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, और ये 3 रुपया और 4 रुपया मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 रुपया, 3 और 4 7, कितना हो जाएगा, 7। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ कितना है, 0 0 माने कुछ नहीं, और ये कितना है, 5, कितना हो गया, 5 0 और 5 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, और ये 8 क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 0 और 0 ये कितना है, 50 और 10, तो 0 और 0 0 माने कुछ भी ना, यहाँ भी 0 माने कुछ नहीं, तो 0 और 0 मिले कितना हो जाएगा, 0, और 5 रुपया और 1 रुपया मिल जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 और 1 6 रुपया, यहाँ इस तरह से 6 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ 5 और 0, 5 रुपया और 0 रुपया माने कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 रुपया और 4 रुपया कितना हो जाएगा, 8 रुपया, इस तरह से हम लोग जो पेज 13 पर है, जोड़ो और लिखो, इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इस तरह से आप लोग जोड़ एकदम आसानी से इस तरह से सीख लेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको लाइन खींच देंगे, जितनी लाइन ऊपर रहेगी और उतनी लाइन ऊपर खींच देंगे, और जितनी लाइन नीचे रहेगी उतनी लाइन नीचे खींच देंगे, और फिर सबको एक में मिला देंगे, तो उतना जितना जोड़ना रहेगा उतना आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप लोग ये जोड़ सीख लेंगे। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल भारतीय टीचिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।